प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूरिया वितरण में निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने यूरिया आपूर्ति के संबंध में अधिकारियों की फॉलो अप बैठक ली और निर्देशित किया कि किसी भी जिले में किसानों को खाद की परेशानी नहीं होनी चाहिए। बैठक में शामिल संभागायुक्त ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि प्रकरण में दो स्तर पर कार्यवाही की गई है और 3 लोगों पर FIR दर्ज करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जबलपुर में यूरिया वितरण में हुई गड़बड़ी के मामले में FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूरिया की आपूर्ति के संबंध में अधिकारियों की फॉलोअप बैठक ली और निर्देश दिए कि यूरिया वितरण में निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाए, साथ ही किसी भी जिले में किसान को खाद की परेशानी नहीं होनी चाहिए। बैठक के दौरान संभागायुक्त ने मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 2 स्तरों पर कार्यवाही जारी है। अब तक बिलासपुर निवासी ट्रांसपोर्टर द्वारिका गुप्ता, भोपाल निवासी जयप्रकाश सिंह और नोएडा के राजेंद्र चौधरी पर FIR दर्ज की गई है और जबलपुर के शुभम बिरला और नवीन झा से भी पूछताछ जारी है। शासन की नीति के अंतर्गत यूरिया जो है 70% शासकीय गोदामों में दिया जाना था, 30% प्राइवेट कंसर्न को दिया जाना था। इस नियम का उल्लंघन करते हुए कुछ लोगों ने 30% से ज़्यादा प्राइवेट लोगों को उन्होंने यूरिया सप्लाई कर दिया है। इस संबंध में शिकायत किए जाने पर कृषि विभाग द्वारा इसकी जांच की गई थी और जांच करके एक प्रतिवेदन दिया गया था, जिसपे थाना लाड़गंज में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था। पंजीबद्ध विवेचना के दौरान बहुत सारी साक्ष्य इकट्ठी किए गए हैं और इस सिलसिले में जयप्रकाश सिंह और शुभम बिरला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आगे जैसे एविडेंस आएंगे कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि मामले में कोई भी दोषी बच ना सके,